हाँ कबीर, कहाँ पहुंचा? मैं एयरपोर्ट से निकल गया हूँ, डायरेक्टली अनन्या के घर पहुंच जाऊंगा इन टाइम। अभी आई आपके साथ? नहीं, बाय। थैंक्स रितु, तुमने मेरे साथ आकर वाकई हिम्मत का काम किया है। अब हिम्मत करके एक बार मुस्कुरा दो प्लीज। देखो खुशी कब आओ, जो हो चुका है वो वापस तो आ नहीं सकता। जख्मों को कुरेदने से, उन्हें खुला रखने से वो ठीक तो नहीं हो जाएंगे ना। थैंक यू जी, थैंक यू। सॉरी आपकी शक्ल नहीं दिख रही है, बट लक लक बधाई जी, कंग्रेचुलेशन। अरे अरमान, अरे बीबी, ये इतना बड़ा गिफ्ट लेके आई हो तुम? गिफ्ट तो बड़ा ही होना चाहिए, क्यों जी? हाँ, लेकिन इसमें है क्या? सॉरी अरमान, ये नहीं बता सकती, सरप्राइज जो है यार। यार मैं तो अनन्या के भाई हूँ, मेरे को तो बता दो। तो? नहीं बता सकती यार। अच्छा हिंट तो दो। तेरी देखा लेके आई। तैयार है ना तू? बहुत सही मौका है और परफेक्ट जगह है, आज कर दे प्रपोज बेबी को। हाँ डरियो मत। नहीं नहीं भाई, उससे पहले आई नीड अ ड्रिंक। आई नीड अ ड्रिंक? अभी तो यही ड्रिंक है। ओ जी, मतलब मैं इसी के लिए कह रहा था, वो पेट में थोड़ा गुड़गुड़ हो रहा था ना। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, मन की बात अंदर रखोगे तो ऐसा ही होगा। बोल दो, लड़की बहुत प्यारी है, घर तो बड़ा अच्छा सजाया, तूने सजाया? हाँ भी बोल सकती है, और ना तो ना, कम से कम ये अफसोस तो नहीं रहेगा ना कि तुमने कुछ कहा नहीं, कोशिश नहीं की। थैंक्स आंटी जी, माँ माई होती है। लो कोल्ड ड्रिंक पियो। कैसे हो साले साहब? शाबाश जी शाबाश, आ ही गए सर आप आखिरकार अपनी दुल्हन को अंगूठी बनाने। जी पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो, वो लोग आ गए। रॉनी जी चलाना तो जरा। चलिए रॉनी। नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारे भाई साहब आने वाले थे तुम्हारे साथ। हाँ बस वो पहुंचते होंगे रास्ते में। अंगूठी भूल आए? अगर भूल भी गए तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं एक लेकर आई हूँ जस्ट इन केस। क्या बात है। नहीं एक्चुअली घर से निकलते हुए पापा का फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये अंगूठी तुम दोनों को गिफ्ट करूँ और अनन्या यही अंगूठी पहनेगी। ओके मालविका, थैंक्स। बस पापा तुमसे काफी नाराज हैं, तुम्हें उन्हें एंगेजमेंट में बुलाया नहीं। आई नो मालविका, लेकिन तुम जानती हो कि मेरे पास टाइम ही कहाँ है। एनीवे मैं उन्हें फोन कर दूंगा और माफी मांग लूंगा। थैंक्स। बाय द वे खालिद कहाँ है? वो यार एक्चुअली खालिद मीटिंग में फंस गया है तो वो आ नहीं पाए। बट ही सेंड दिस फॉर यू। Excuse me, baby जी। हाँ जी। वो थैंक्स भाई। आप मुझे और मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेंगी? आई
I love you, baby ji. Really, I love you. Wait. Sunny Paji, लगता है आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा. बेबी जी तो गई. आपका टाइमिंग थोड़ा भारी पड़ गया. सोनी संभालो. क्या हुआ? कुछ नहीं, सनी पाजी ने बेबी जी को प्रपोज किया. बेबी जी घश खा के बेहोश हो गए. अगर बेबी जी होश में रहती सनी पाजी का क्या होता? कर दिया तुमने. क्या वर्ड यूज कर? ब्यूटिफुल, स्टनिंग, प्रिटी, गॉर्जियस. बस इन सबको अगर मिला दे ना तो जो बनेगा बिल्कुल वैसी लग रही. कल शादी कर ले प्लीज. आप इससे अच्छा सरप्राइज मुझे नहीं दे सकती थी. थैंक यू पापा. थैंक यू दादा. इनसे तो आप मिल ही चुके हैं. और ये अनन्या की मॉम. नमस्ते. नमस्ते. मेरे भैया भाभी. थैंक यू सो मच. आई एम रियली ग्लैड आप लोग आए. एंड बाय द वे ये अरमान. हम मिल चुके हैं. एंगेजमेंट से पहले एक छोटी पूजा रखी है. पंडित जी को भी बुलाया है. दरअसल अनन्या के पापा नहीं है ना, तो सोचा कि पूजा के बहाने उनका भी आशीर्वाद मिल जाएगा. आप अंदर आइए ना. रख ले बेटा. आइए. रोनी. जी सर. मेरी गाड़ी में एक कार्ड पड़ा होगा. नकद हो गया. थैंक्स. अच्छा बहन जी, हवन भी करवाना है या सिर्फ पूजा? नहीं नहीं पंडित जी, हवन नहीं करवाएंगे. बहुत धुआं धुआं हो जाएगा. हाँ बाबा, हवन नहीं करवाएंगे पंडित जी, सिर्फ पूजा करेंगे. जा पापा की फोटो लेके आ जल्दी. हाँ जा. अगरबत्ती. ये अनुराग ने तुम्हारे लिए बना के भेजा. इट्स सो स्वीट. मैं अभी उससे बात करके आती हूँ. अब भी याद आई आपको मेरी? कब से तारिणी दीदी का फोन लेके बैठा हूँ.
I'm so sorry. Thank you very much. Card बहुत ही cute है. Actually कबीर ही मुझे card देना भूल गए थे. उन्होंने अभी दिया और मैंने immediately phone किया. मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा. आपको पता है कबीर भैया और ताने दीदी ना वो दोनों एक टीम है और वो दोनों ना आपसे कुछ छुपा रहे हैं. अच्छा? हाँ, कबीर भैया ने बोला कि हम लोग आपको एक सरप्राइज देंगे. ताने दीदी ने बोला कि हम लोग इसको सरप्राइज ही रखते हैं, बाद में देंगे. और हाँ, मैं आपको अच्छे रिपोर्टर की तरह ना अपडेट करते रहूंगा. और जैसे वो दोनों एक टीम है ना, हम दोनों भी एक टीम है. ओके? ठीक है, तुम और मैं एक टीम है. ओके? चलो, मैं कल सुबह मिलने आऊंगी तुमसे और तारिणी से. अभी पूजा का वक्त हो गया. आई टॉक टू यू लेटर. बाय. टेक केयर. बाय. बहुत मुस्कुरा रही. अनुराग ने मुझसे कहा है कि कबीर भैया से बच कर है. वो कुछ छुपा रहे. और उसने ये भी कहा है कि वो और मैं एक टीम में है, तो अब वहां पे नजर रखेगा और मुझे बता देगा. आई रियली विश हम तारिणी और अनुराग को बुला पाते. मुझे बुरा लग रहा है. उसका कांच कब टूटा? अरे टूट गया. अभी तो इन्वेस्टिगेशन में मत लग जाना. पंडित जी को फोटो दे जल्दी से. और जल्दी से जाके हार और अगरबत्ती का पैकेट लेके जा जल्दी. हाँ. आंटी मैं लेकर आती हूँ. अच्छा. पंडित जी. ना बेटा. नमस्ते. वो क्या है ना, मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई थी. फिर मैंने सोचा कि अगर मैं फ्री हूँ और तब भी यहाँ नहीं आऊँ तो आपकी इंसल्ट होगी ना. आपने इतने प्यार से मुझे इनवाइट किया था. और वैसे भी कबीर, हम सब अडल्ट हैं, मैच्योर्ड हैं. एक दूसरे की खुशी में आप शामिल नहीं होंगे तो फिर कब? Be back. मैं बात करती. राजवीर भैया. Wow, it's been so long. कैसे हैं आप? Hi भाभी. Looking so nice. Hello, sorry guys for being late. Hello. Hi. और भाई कुछ पी भी रहे हो कि नहीं? See you. अनन्या, इधर देख. सुन मेरी बात. सुन, तू जितना रिएक्ट करेगी ना उतना ही माहौल बिगड़ेगा. जो मैंने उसे बुलाया ही नहीं है. तो मेरी गलती है, मैं ही बेवकूफ. कबीर ने मुझसे कितनी बार कहा था कि इससे ज्यादा भाव मत दो, पर मैं सुनती नहीं हूँ. जस्ट इमेजिन, मुझे आज ऑफिस में इसने कहा है कि ये नहीं आएगी. इतनी मच्योर तो है ना, इतना तो समझ आता है कि कबीर और मैं उसे अपनी खुशी में नहीं इन्वॉल्व करना चाहते. पापा, ओके ओके,
काम डाउन, आज के दिन तो अपना मूड मत ऑफ कर प्लीज। पापा के फोटो का कांच टूटा ना, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। देखो आ गई सब बिगाड़ने। अनन्या तू कब से इन बातों पे विश्वास करने लगी? तू एक काम कर, अभी की अभी बाहर चल, पूजा खत्म कर, कबीर सर को अंगूठी पहना, खुद भी पहन और सबका मुंह बंद कर दे। चल। क्या बात है, बेशक मेरी तरह तुम पहुंच ही गई हो। Not bad. I never thought I would say this, Manav, but आज सच में ऐसा लग रहा है जैसे खुद भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा। Really? Okay. जल्दी से बताओ कि ये जो फोटोग्राफ है ये अनन्या के फादर हैं? हाँ, सुधीर कश्यप। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे और कुछ साल पहले गायब हो गए थे। शायद किसी केस में फंस गए थे या ऐसा कुछ, और फिर बाद में पता चला कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। Yeah. क्या बात है, बात सुन के इतनी मुस्कुराहट क्यों आ गई तुम्हारे चेहरे पे? क्या राज है, हमें भी बताओ। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए, हार नहीं मानी चाहिए। और सामने वाला अगर इनवाइट ना भी करे तो बिना इनविटेशन के उनकी खुशी में पहुंच जाना चाहिए। अब डेस्टिनी आपको कहाँ कौन सा गिफ्ट दे दे, यू नेवर नो। मैं कबीर और अनन्या के रिश्ते को तोड़ने के लिए एक हथियार ढूंढ रही थी ना, मिल गया। जाने से पहले जो दूसरों की कमजोरी में अपनी ताकत ढूंढते हैं वो ये नहीं सोचते कि उनकी जीत पर हारने वाले का कर्ज होता है, और कर्ज अक्सर सूद समेत चुकाना पड़ता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।